राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो भी करता है वो सही करता है, पर इंसान जब उसमें अपनी दखलंदाजी देता है तो वो दोनों जहान में मारा जाता है, खुशियों से वंचित हो जाता है। वो जो करता है कोई ना कोई बहाना है खुशियां देने का, कोई ना कोई बहाना है दया में रहमत बरसाने का, और उसकी काट करके आप उसे रोक देते हैं कि वो आप पे रहमत करे, वो आपको खुशियां लौटाए। इसलिए ये जरूरी बनता है कि आप सुमरन करें, मालिक से मालिक को मांगें, और जितना हो सके मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ने की कोशिश करें। जो भी इंसान मालिक से उसकी बिछड़ी हुई औलाद रूहों को मिलाता है, उसके घर परिवार में कुलों में खुशियों से बहार छा जाती है। पता नहीं कितने आप में से सेवादार नाम वाले जीवों को लेके आते हैं, बिछड़ी हुई उन आत्माओं को मालिक से मिला देते हैं। इसका पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। तो भूल के भी कभी किसी जीव को मालिक से दूर करने की ना सोचो, वरना आपके घर परिवार कुल में उसका वो नजारा दिखने में मिलेगा जिसकी कल्पना इंसान नहीं करता। एक दिल खस्ता रखें बाहु, ले सौ वरियां थी इबादत हो। किसी एक दिल को खुश कर लेती हो तो सैकड़े साल की बंदगी आपको मिल जाती है। पर दिल खुश का मतलब वचनों में रहते हुए अमल करना है, रजा में रहते हुए सुमरन करना है, सेवा करनी है। इसलिए वचनों में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए मालिक के नाम का सुमरन किया करो। दिलो दिमाग में कभी गलत सोच ना रखो, यही सोचो कि वो परमपिता परमात्मा खुशियों के ढेर लगाने वाला है, आप उसकी दया में रहमत के लायक बनेंगे, उसके कृपा पात्र बनेंगे अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे।